हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद यकून। आप देख रहे हैं जीएम थर्टिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल बदल की अता ग्रहों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जो लोग, जो दोस्त, जो मित्र हमारे साथ कनेक्टेड हैं, हमारे साथ अटैच हैं, उनसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है हिंदी में 40,000 टन है भाई। इमदाद आई थी रशिया की तरफ से गेहूँ। अच्छा अच्छा, वो आते भी चोरी हो चुकी है। हमारे माफिया इतने बेगैरत इंसान है, उन्होंने आधी तो चोरी कर ली। देखते हैं वीडियो फिर देखते हैं अपना रिएक्शन। पाकिस्तान में गेहूं आया नहीं और चोरी पहले ही शुरू हो गई। रूस के 50,000 टन गेहूं में से 40,000 टन तो चोरी हो गया। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी धमाकेदार खबर आ रही है पड़ोसी देश पाकिस्तान से। दोस्तों, पाकिस्तान के मंत्री भी ठगी मारने में कोई पीछे नहीं है। ये किसी भी दुनिया के देश की पेमेंट रोक लेते हैं और उसके बाद अपने देश को चलाने के पूरे प्रयास करते हैं। और ये इसको इन्हीं सभी बातों को देखकर उनके जो निचले लेवल के ऑफिसर्स हैं वो भी यही काम कर रहे हैं अपने देश के अंदर। दरअसल दोस्तों, पिछले दिनों रशिया से 50,000 मीट्रिक टन का गेहूं मंगवाया गया था पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के लोग रशिया का गेहूं बहुत पसंद कर रहे थे, लेकिन इस 50,000 में से 40,000 टन का गेहूं तो चोरी ही हो गया। आपके सामने द प्रिंट का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर इसकी पुष्टि की गई है। पाकिस्तान के अंदर बताया गया है कि 67 गवर्नमेंट के ऑफिशियलों को सस्पेंड कर दिया है और उनके खिलाफ शोकेस नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि सिंध इलाके के अंदर 40,000 टन का गेहूं वो चोरी हो गया है। ये जो गेहूं है पाकिस्तान की 10 डिस्ट्रिक्ट के वेयर हाउस के अंदर लोकेटेड था, लेकिन अब वहां पर लोकेटेड नहीं है। इन 67 ऑफिशियल में से 49 तो फूड सुपरवाइजर हैं और 18 फूड इंस्पेक्टर्स हैं। अब दोस्तों, पाकिस्तान के ऑफिशियल ही अपनी जनता को भूखे मारने पर अगर उतावले हों तो दुनिया के देश कैसे पाकिस्तान की मदद कर लेंगे। पाकिस्तान के लोगों को चाहिए कि इन ऑफिशियलों को ऐसी सजा देनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर दोबारा ऐसी घटना ना हो। दोस्तों, 50,000 मीट्रिक टन का गेहूं मार्च के शुरुआती में ग्वादर पोर्ट पर पहुंचा था। हालांकि रशिया के साथ पाकिस्तान ने 4.5 लाख टन गेहूं की डील कर रखी है और 9 कार्गो शिप आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं, लेकिन 50,000 टन का गेहूं पहुंच गया, लेकिन उस गेहूं में से 40,392 टन का गेहूं चुरा लिया गया। ये 10 वेयर हाउस जो हैं पाकिस्तान के दादू, लरकाना, शहीद बंजीराबाद, कंबर, शहादकोट, जैकोबाबाद, खैरपुर, सुकुर, घोतकी, संगर, मीरपुर खास नाम की डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ा था और लुटेरों ने बस लूट लिया, बाप का माल समझकर लूट लिया। दोस्तों, 2020 के अंदर पाकिस्तान ने $1 बिलियन का गेहूं मंगाया था, जिसके अंदर $496 मिलियन का गेहूं यूक्रेन से आया था, $394 मिलियन का रशिया से आया था। लेकिन आपको पता ही है, पिछले साल पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आ गई, बाढ़ के कारण फसल खराब हो गई और इसीलिए गेहूं का संकट पैदा हो गया और अब माँ के पुत्र अपने देश में ही सेंधमारी कर रही हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर रेट ना बढ़े तो कैसे ना बढ़े। पाकिस्तान की जनता परेशान हो या ना हो, कैसे ना हो, क्योंकि इनके खुद के ऑफिसर ही आज अपनी जनता पर एक पेट पर लात मारने का काम कर रही हैं। क्या कहना चाहोगे दोस्त? तो जी, वीडियो ही खत्म। शर्म आती है हमें इस मुल्क का बशिंदा होते हुए, शर्म आती है हमें पाकिस्तानी कहलाते हुए, शर्म आती है हमें मुसलमान कहलाते हुए, शर्म आती है हम इस तरह के जलील माशरे में, गंदे माशरे में जी रहे और सांस ले रहे हैं कि यार गरीब लोगों का नवाला छीन लिया गया। उन लोगों का जिनके पास ना कोई घर है, जिनके पास ना कोई जॉब है, जिनके पास ना कोई खाने को कुछ है, और एक इमदाद आई किसी मुल्क ने हम पर थोड़ा सा तरस खा के हमें दे दी गेहूं। चले वो उनका भला हो, जैसे भी हमें चाहे उनको बाद में पैसे देने पड़े, जिस तरह भी देने पड़े, चाहे पैसे में दे, लेकिन जो मदद आई थी उसको भी हम हड़प गए हैं। वो क्या कहते हैं, डैन भी साथ गए तो डैन भी छोड़ के चली जाती है, छोड़ दे सातवां घर तो ये इतने तो, ये डैनों से भी बढ़ गए, डैन भी हो। जब ऐसे अनासर जो सिंध के अंदर बैठे हुए हैं सारे भाई माफिया जो 10% के नाम पर मशहूर है, तो उनकी जो काबीना है वो सारे सांप बैठे हुए हैं,
तो वो उन्होंने जब भी वो सिंध के एरिए में आई है, कराची में आई है, 50,000 टन से 40 तो वो लेकर चले गए कि भाई उन्होंने गोदामों में रखी है। गोदामों में के बाद उन्होंने बोला है कि भाई अपने अपने ट्रक तैयार करो, इतने ट्रक आपने ले जाने, इतने ट्रक आपने ले जाने, इतने ट्रक आपने ले जाने। अल्लाह जो 1 लाख टन अकबर। बचा है वो भी हमारी आवाम के लिए, वो भी मिलेगा महंगे दामों पर। तो यार शर्म शर्म नहीं आनी चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए। ये बात जो है ये खबर पाकिस्तान में नहीं फैलेगी, पाकिस्तान को तो पूरी पता ही नहीं दुनिया है। हमें आप पता नहीं, चला हमें है तो इंडिया वालों ने भाई ने बताया, विगत ये बात करें किसी हमें नहीं पता पाकिस्तान था। में ये किसी को नहीं पता चलेगी कि भाई गेहूं किधर गई, किधर आई भी है कि नहीं आई। हमें ये भी नहीं पता गेहूं अभी आया। तो थोड़ी सी आई है ना, अभी से थोड़ी सी आई है तो हम आवाज उठा रहे हैं। तो इंडिया वाले भी ने भाई ने जो आवाज उठाई है, हमें भी इस वक्त पाकिस्तान में मीडिया में कहीं भी ये कोई खबर कवरेज नहीं नहीं है, है, कवरेज कोई नहीं कवरेज है नहीं। कि भाई चोर जो अगर बैठे हैं ये पाकिस्तान खबर में। दुरुस्त है, एक मिनट यार, मैं अगर ये खबर दुरुस्त है तो हमें चुल्लू भर पानी में लेकर हमें अब भाई डूब मरनी मरना थी नहीं चाहिए, ये यार। डायलॉग मेरी पुराना बात हो सुन, चुका मेरी है। बात उन सुन यार, बेगैरतों के खिलाफ आवाम को निकलना चाहिए और घरों से घसीट के रोड पर उसको लटकाना चाहिए। उल्टा कि हमारे पहले ये भूख से मर रहे हैं, हमारे आई हुई इमदाद भी आप, खुराक आई भी आप लेकर जा रहे हैं। करप्शन की इतनी हद हो चुकी है, मरना नहीं चाहिए। जी इतने जी बेगैरत गुलजार भाई, इंसानों को उल्टा लटकाना चाहिए। पहली बात तो भाई गुलजार ये है कि ये जो खबर आई है, ये जो भाई ने दी है अभी, इसकी तो एक भाई आपसे दरख्वास्त ये है कि इसकी कंफर्मेशन कीजिए। कन्फर्मेशन उन्हें आरटी कर एक दिखाया है असद भाई, उन्होंने प्रिंट प्रिंट आरटी का प्रिंट आरटी प्रिंट कर दिखाया है। आरटी कर अच्छा ऐसे नहीं दिखा देते, कोई कोई पक्की बात होती है तो फिर आदमी एक खबर देता है। अच्छा अगर ऐसी कोई है भाई तो उसे कंफर्मेशन करें, उसके बाद आ जाती है कि इनकी सजा कंफर्मेशन उन्होंने करनी, हमने हमने करनी करनी है। जिनकी गेहूं अच्छा है, जिनकी भूख से जिनके मरी बारे है। में आप खबर तो है भाई बहुत जोश में आकर उतावली उतर की बातें कर रहे थे, मैं ऐसा कुछ करने का नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि अगर ऐसा हुआ है तो जो लोग जिम्मेदार है ना, उन्हें उन्हें मेरे भाई पुराना कसूल है, हजूम लगाए, हजूम के दरमियान उन्हें लाकर उनके सर जो तलवार से कलम करें, ताकि उनका निकलता हुआ खून देखकर, उनकी बड़े तना देख सजा देखकर, आइंदा वाले आने वाले जो अफसरान है ऐसा ना। ऐसा ऐसी हरकतें नहीं ना होंगी हाँ उस मेरे वक्त, भाई ये नहीं मैंने ये नासूर, बात ये इसलिए नहीं की यार, मिलेगा मैंने पाकिस्तान इसलिए से। ये बात की कि जब लोग हजूम इकट्ठा होगा ना तो उसके दरमियान में ऐसी हरकत ऐसा काम किया जाएगा, जहरी बात है आवाम वीडियो भी बनाएगी, उसे अपलोड भी करेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे भी, तो जो आइंदा नासूर पल रहे हैं उन्हें भी ये वीडियोस। पहली मैं बात तो ये है कि यूट्यूब पर डाली नहीं जाती, अपलोड करे भी तो उसको यूट्यूब प्रमोट नहीं करता। 110% कहता हूँ यार, इन इन ऐसी इन, बातें इन आदमियों को पता चल भी गया, हुकूमत को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तो उनके आवाम हाथ किसके इतने इतने बड़े हैं, जो वो जो बैठा हुआ है लूला सा आदमी दरदारी 10%, यार मेरी बात उसके सुनो हाथ ना। इतने फैले हुए हैं कि वो दादा है करप्शन का, दादा किसको इंडिया में बोलते हैं, दादा वो दादा है इंडिया का, यार मेरी बात पाकिस्तान सुनो, का करप्शन शुदा में। अगर आपने सांस लेना है ना पाकिस्तान में, मैं आवाम से कहता हूँ, अगर आपने सांस लेना है ना पाकिस्तान में तो मेरे भाई ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। वैसे भी तो आपने मरना है और भूख से, एक यार जिस मेरी बात सुन, वैसे भूख से तो मरना है तो मेरे भाई ऐसों को मारकर क्यों नहीं मरते, अच्छा जब अल्लाह को तो पाकिस्तान दिखाना और है इंडिया ना। के लोग पर बारे में बात करती है तो पाकिस्तान के चेहरे लाल सुरख हो जाते हैं कि हम पाकिस्तानी वाले बड़े गजूर कौम है, हम पाकिस्तानी बड़ी गैरत दलेर जाग कौम जाती है, है, गैरत हम जाग जाती पाकिस्तानी है। बड़ी अच्छी कौम है, हम पाकिस्तानी बड़ी ईमानदार कौम है, हम एक मुसलमान है, मेरी हमारे बात अंदर ईमान कूट कूट कर भरा हुआ है, हम जब पैदा हुए तो हमारे मुंह में भी और हमारे नीचे से भी ईमान भरा गया था, अब हमारा ईमान फटने वाला, और यह ईमान फटा है और यह रिजल्ट निकला है, और लख की लानत है इंसानों भाई को। भाई रुखसार मैं आपकी बात मानता हूँ, आपकी बात एक 101 मरतबा ठीक होगी, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन देखो यार जो अफसरान बातें लगाए जाते करवा लो यार, मेरी बात सुन, जो अफसर लगते हैं वो रिश्वत लेकर लगते हैं, ऐसा ही है भाई गुलजार, किसी महकमे में करो सरकारी अफसर में, आप ही के आवाम से जाते हैं, आप जब पैसा डालेंगे नौकरी के लिए पैसा देंगे तो उसे कमाने की हिरस भी तो होगी मेरे भाई, एक बंदे का काम नहीं ये, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी करप्ट है। नहीं इनको आखिरत की कोई फिक्र नहीं, कोई जो फिक्र नहीं है कैसे भाई। हमारी आवाम रुल रही है रोडों पर, ट्रक के पीछे अच्छा आदमी यार मर रहे एक हैं सवाल किया, एक यार, सवाल किया इनको जाता मरने है की कोई
इतने बेगैरत इंसान हो चुके हैं यार। इधर भी हमारी आवाम रुल रही है अनाज के लिए। यार देखो जो काम आवाम करती है ना उसकी सजा कोई नहीं है। मैं आपको ये बात कह देता हूँ, पूरी दुनिया में कानून है, एक बंदा करेगा उसके लिए सजा है। अगर सब लोग मिलकर ऐसे लोगों को मार देंगे तो कोई सजा। हम कौम नहीं है, हम हजूम है, और ऐसा हजूम है जिसको आग लगा दी जाए तो मेरे ख्याल में दुनिया को कम से कम उसका को फायदा ये होगा कि दुनिया के जो जो ये है ना, ये जो जिन इलाकों में सर्दी ज्यादा पड़ती है उनके लिए मेरे ख्याल बालन के तौर पर हम इस्तेमाल होगा। ऐसा हजूम है कोई हम में, मेरे साहब ने बात बिल्कुल ठीक की थी कि आप में वसाइल की कमी नहीं है, आप में ईमान की कमी है, आप में दयानतदारी की कमी है, ईमानदार नहीं है, दयानतदार नहीं है, इसी वजह से हमारा ये हाल है। कितना पैसा 35-40 बिलियन तो हमें सिर्फ चाइना ने दे दिया, बाकी तो बाद में रह गया, डूब के मर जाओ, इससे ज्यादा मैं आपको और कुछ नहीं कह सकता। तुम्हें कहते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, मिलता नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।